हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 5 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है जापान, और जापान चीन को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना है। तो चीन आ गया है अब तीसरे नंबर पर, और दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है अमेरिका का। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय विधेयक 2018 के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खेल कूद विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो विश्वविद्यालय विधेयक 2018 के अनुसार मणिपुर में राष्ट्रीय खेल कूद विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला, और नजमा हेपतुल्ला को 2013 के लिए उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 21 राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में कौन सा राज्य सबसे अधिक निवेश क्षमता वाला राज्य है? तो NCAER की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सबसे अधिक निवेश क्षमता वाला राज्य है, और पहले गुजरात का पहला स्थान था, अब दिल्ली पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, और गुजरात आ गया है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न, भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले को लॉन्च करने के लिए टेक महिंद्रा ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले को लॉन्च करने के लिए टेक महिंद्रा ने समझौता किया है तेलंगाना के साथ, और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल हैं ई एस एल नरसिम्हन आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है? तो सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है गुजरात, और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, और राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बन गई हैं गीता मित्तल, और गीता मित्तल दिल्ली की हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थी, और अब दिल्ली का चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन को बनाया गया है, जो कि पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे। अगला प्रश्न, एशिया प्रशांत इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIBD का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो AIBD का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है फयाज शेहरयार को, और यह पहली बार है जब किसी भारतीय को AIBD के अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में इंदिरा बनर्जी को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, वे किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थी? तो ये मुख्य न्यायाधीश थी मद्रास उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न, किस राज्य ने हॉर्न नॉट ओके नामक जागरूकता अभियान और नो नॉइज नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हॉर्न नॉट ओके नामक जागरूकता अभियान और नो नॉइज नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने, और पहले चरण में यह अभियान शिमला और मनाली में लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से आम जनता ध्वनि प्रदूषण के मामलों की रिपोर्ट कर सकती है, और हिमाचल की राजधानी है शिमला, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। अगला प्रश्न, हाल ही में बरमूडा ट्रायंगल चर्चा में था, यह कहाँ स्थित है? तो बरमूडा ट्रायंगल स्थित है अटलांटिक महासागर में, और हम जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों था। बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र से गुजरने वाले समुद्री जहाज और प्लेन अचानक गायब हो जाते हैं,
यह दुनिया का सबसे रहस्यमयी इलाका है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 70 साल से कोई वैज्ञानिक वहाँ जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाने की हिम्मत नहीं दिखा पाया, क्योंकि वहाँ से गुजरने वाले समुद्री जहाज और प्लेन विशेष भौगोलिक कारणों की वजह से अचानक समुद्र में गायब हो जाते थे। लेकिन अब ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को सुलझा लिया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि 100 फीट ऊंची खतरनाक लहरें इसका कारण हो सकती हैं, जिसके कारण समुद्री जहाज इस रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल में गुम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बरमूडा ट्रायंगल चर्चा में था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्षय वेंकटेश को फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, यह मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हाल ही में अक्षय वेंकटेश को फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, और यह मेडल दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, और इस पुरस्कार को गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, और यह मेडल 4 साल में एक बार दिया जाता है, और यह मेडल 40 से कम उम्र के उभरते हुए गणितज्ञ को दिया जाता है। और अक्षय वेंकटेश को यह पुरस्कार ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित गणितज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में दिया गया है। और अक्षय वेंकटेश दूसरे भारतीय मूल के शख्स हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इनसे पहले 2014 में मंजुल भार्गव को भी यह पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।